नमस्कार। अब बीते दिन अपना पक्ष साइबर क्राइम के ही सीधी वही एक बड़ा केस दिखन के जौ में ही कौ में के 22 ऐप के माध्यम से ही युवती का फंसाए के उनके साथ रेप की वारदात का अंजाम दिन जात रहा। अपना पक्ष देखा था कि बैंकन से जुड़े अक्सर साइबर क्राइम के मामला सामने आवत रहा थे। यह में के मामला एक आवा आवा है के इनकर इनकर आधार कार्ड रहा इनके लगे इनकर पेन कार्ड एक अन्ना द्वारा जो तमिलनाडु के एक व्यक्ति है जो की सीधी माही बोरिंग के मशीन के व्यवसाय करा थे बोरिंग के मशीन चलवावत है वही माही ये बालक का ही रखे रहा अपने साथ 2 महीना और एक बाद अपने साथ अपने गांव लेके जात अब गांव माही जाए के ही जहां माने अपने डिस्ट्रिक्ट तिरची तमिलनाडु माही तिरची डिस्ट्रिक्ट हब वहां लेके जात हब अपने यहाँ अपने गाँव माही जाए के ही इनका पैन कार्ड बनवावत हब और इनकर अकाउंट ओपन करवाए के ही इनका क्रेडिट कार्ड जारी करवा लेते हैं। 1.5 लाख लिमिट रहा थी वो क्रेडिट कार्ड के ही और 1.5 लाख लिमिट जो क्रेडिट कार्ड के रहा थी वो पूरा यूज कर डाल रखे 1.5 लाख रुपया ये पच्चे नहीं जाना था ही न उनका नहीं पता चलता है कि हमारे नाम से क्रेडिट कार्ड इशू हो चुका है। अब कहा होता है कि इन 2 महीना वो कहीं रह के काम करें और चले आए अपने यहाँ सीधी माही रहा थे मैं सीधी के आई और सीधी में वह व्यक्ति अन्ना जो है बोरिंग के मशीन चलवा कराता है वो इनके अंठे ही काम करवा करात रहे। अब जब इनके यहाँ बैंक से नोटिस गए बैंक वाले जब HDFC बैंक के खाता है अब बैंक वाले जब गए इनके घर HDFC वाले के भाई ये क्रेडिट कार्ड के पैसा काहे नहीं देते तब इनका जानकारी होती है कि हमारे नाम से ही 1.5 लाख के ही लोन हवा है वह संबंध में ही यही जानी थे कि का कुछ पूरा मामला है। कहा ना राहुल कुमार पंचका का मामला है का को आया हुआ जो व्यक्ति तो का अपने इनके काम में रखे वो तमिलनाडु का है अन्ना। हाँ। वो मेरे को यहाँ 9 महीना काम करवाया गाड़ी में। हाँ। और 2023 में 40,000 रुपए नहीं दिया है। हाँ। अपने गांव लेके खाता भी खुलवाया अपने गांव वो कब लाई गया जनवरी में लग गया रहा। पैन कार्ड वगैरह हुआ है बनवाई सब वही बनवाया कहा कही के बनवाई कहा कही बोला कि तेरे अकाउंट में पैसा डालूंगा मैं अपना और निकाल लूंगा तेरा भी डाल दूंगा जो पगार है तो डाल दूंगा तू निकाल लेगा अपन ये कही के अकाउंट खुलवाया फिर वो आते टाइम बोला कि अभी नहीं देंगे 2 साल बाद देंगे गुम गया है। क्या क्या गुम गया है पैन कार्ड आधार कार्ड फिर वहां से 2 महीना रखा था एक के बाद अपने यहाँ काम करवा रहा था एक के बाद वहाँ से हमको बोल रहा था मत जाओ फिर हम जबराई आ गए हैं यहाँ। कैसा के पता चला गया फिर फरवरी में ये बैंक वाला गया था मेरे घर सीधी से कहा कहीं बैंक वाले बोले कि वो पैसा लिए हो तो नहीं दे रहे हो किस्त नहीं भर रहे हो लोन लिए हो बैंक से। इसके बाद हम बोले कि हमको पता ही नहीं है कब लिए हैं। इसके बाद फिर वो मेरे से मिला तो बोला कि हाँ पैसा लिए हैं एक हफ्ते में दे देंगे। हाँ। अभी आज 3-4 महीना हो गया नहीं दिया। हाँ। रिपोर्ट वगैरह करे की हमें कि हमारे साथ करी रिपोर्ट तो किए हैं। कहाँ करे रिपोर्ट ये कोतवाली में वहीं कोतवाली में थाना लागत है। हाँ जी। हाँ और फिर यहाँ कौन नाम से संचालित करा था कौन नाम से है बोरबेल ओम श्री साई बोरबेल जी। और कहाँ है कार्यालय कार्यालय है पड़रा पड़रा में कार्यालय ये बोरबेल के कार्यालय जी पड़रा में है। अच्छा अब क्या कहा था भाई को लिए नहीं बोल रहा है मेरे को भी बोल रहा है तो जो 3 लाख रुपए मैं दिया हूँ तो वो कब देगा तो हम को दे है पैसा मेरे को मेरा पगार नहीं दिया तो मेरे कैसे पैसा देगा 3 लाख रुपए कैसे देगा। अच्छा कहा नाम है अपना राम सुंदर अपना की लड़का ही जी सर कहा नाम है बालक राहुल कुमार पंचा का मैटर हो गया कहाँ काम करेगे रहे जानकारी में है तुम्हारे अब वह तमिलनाडु से लगे रहा हुआ खन्ना कहा नाम है अन्ना के मनोहर अन्ना। फिर कष्ट जाने की ये पैसा कौड़ी लाएगी ये अब जब ये बैंक मैनेजर वाले की कहें कि राहुल घर कहाँ है राहुल कहाँ है तो हम कहें कि राहुल घर तो यही है। कहें कि राहुल पैसा लिया है बैंक से 1.5 लाख रुपया क्यों नहीं देता है ब्याज बन रहा है हम लोग सब चौवाए गए यह क्या बात है का हो रहा है ये चला जा रहा है रीवा फिर फोन लगाए वहीं से रोब शुरू कर दी कि हम लेन नहीं आए हम कहा जाने का हो गया ठीक है बलबा लेन घरे दया फिर वो कट गया फिर लाग रोज दिन फोन लगावे के लिए ओके लगे गए खन्ना का लगे तो कहे एक हफ्ता के अंदर सब पैसा दे देंगे रहा बराबर एक महीना बीत गया फिर गए कहे कि अब 2 महीना बाद देंगे हाँ तुम्हारे पास नहीं जाएगा हुआ बैंक मैनेजर और बैंक मैनेजर रोज फोन लगावत है तब बैंक मैनेजर आवत है आप नहीं फोन लगावत हाँ हमारे भाई के मोबाइल ये सब रिपोर्ट वोट कब कीन है
30 मार्च की फिर रिपोर्ट सपोर्ट कर रहे हैं। तो पुलिस वाले का कहीं पुलिस वाले कहीं की ओका हेरा जहां हो तो पता लगा के बतावा कि हम कंधा हम पे पकड़ी और पा गए। चलिए तो ये पूरा मामला है कि इनका क्रेडिट कार्ड से ही जमे के ही इनका अपने साथ काम करे कर रखे रहे और इनके इनके नाम से ही अपने डिस्ट्रिक्ट में जाए HDFC बैंक में ही ये युवक के खाता खुलवाए के ही और HDFC बैंक से ही क्रेडिट कार्ड जारी करवा लेते हैं जो उनकी लिमिट 1.5 लाख रहा थी वह। अब इनका पता तक नहीं चलती है और 2 महीने बाद जब चले आवाते मैं और जब वह क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो जाती है और जब बैंक जाते है इनके घर तब इनका पता चलता है कि हमारे नाम से ही लोन हुआ है। फिलहाल यह मामले में ही पीड़ित पक्ष कोतवाली में ही जाए के ही अपन आवेदन दे चुका है लेकिन अब पुलिस द्वारा ये माही कौनों में की कार्यवाही नहीं की गया है। अब यह आगे देखे वाली बात होती है कि पुलिस कौ में की कार्यवाही करा थी भाई का पुलिस अन्ना तक पहुंच पाई के अन्ना द्वारा यह में के युवकन का ही फंसाए के ही ओके साथ धोखाधड़ी कई के पैसा हड़प लीन जाई। अब तो ये देखे वाली बात होती भाई कि अन्ना कब तक यह में सक्रिय रहा है और पुलिस का कार्यवाही करा थी भाई अन्ना के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।